हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने कल शाम को बताया था कि मैं जाने वाली हूँ वैद्य के पास, तो अभी जस्ट मैं नहा के तैयार होके निकली हूँ। हाय, इतनी ठंडी ठंडी ना, सुबह सुबह नहाने का मन भी नहीं करता है, लेकिन नहाना तो पड़ता है। तो अभी जस्ट निकले हैं रूम से, तो चलो वैद्य के पास। तो पता भी करना पड़ेगा उनका कि किधर है वो। सुबह सुबह नहा तो गई, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मन कर रहा है धूप में खड़ जाओ थोड़ी देर। हाँ, तो मैं अभी थोड़ी देर धूप में रुकने वाली हूँ, क्योंकि हाथ इतने ठंडे हुए हुए, ठंड लग रही है। अभी स्पाटू साइड रहते हैं वो, तो अभी हम लोग स्पाटू साइड जाएंगे। तो स्पाटू साइड जाएंगे, पता करेंगे कहाँ है, क्योंकि एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि वो कहाँ है, बट इतना पता है कि वो स्पाटू में रहते हैं। तो स्पाटू तो निकलना नज़दीक ही है, बाईपास से निचले वाली रोड पर है स्पाटू। 10 किलोमीटर होना शायद, शायद नॉट कन्फर्म। धूप इतनी हल्की सी है ना, गर्मियों में बहुत तेज़ होती है, सर्दियों में बहुत ठंडी होती है। साला सर में दर्द हो रही है, सर नहा लिया सुबह सुबह। सुबह सुबह तो क्या मतलब, फिर भी काफ़ी सेक ली, क्योंकि अगर मैं धूप ही सेकती रही तो मैं लेट हो जाऊंगी। चलते बाइक पे सफर करना सर्दियों में बड़ा मुश्किल है, सच में। ऐसी हालत हुई पड़ी हुई थी, इससे पहले भी हम लोग धूप में खड़े हुए थे। मैंने कहा खड़ जाओ यार, टांगे सुन लो भी। और सच में बहुत ठंड है यार, मेरी नाक लाल होगी जिसको। और मैंने दोनों ग्लव्स एक ही हाथ में पहने हुए, क्योंकि एक हाथ से फोन पकड़ना ना रिकॉर्ड नहीं होता है करके। तो ऐसे मोड़ 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 धूप लगी हुई थी, बहुत कम कम जगह में धूप। और मैं क्या बोल रही थी, 10-12 किलोमीटर पता लगा 22 किलोमीटर ऊपर से जहाँ से मतलब मैं निकली ऊपर से 22 किलोमीटर। अभी भी 4 किलोमीटर रहा हुआ है, तो कुल्फी बनी पड़ी है। मेरा नाक देख सकते हो कैसा लाल हो। हम लोग सुबातू पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है कि किधर जाना है। सो अभी हमने मैप में लगाया है, तो चलते हैं। आपके जो 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है। कुछ ज़्यादा ही आगे आ चुके हैं, तो अभी हमको वापस को जाना है, क्योंकि वो अब शायद आगे ही है 4 मिनट के रास्ते। हमें लगा था कि प्रॉपर सुबातू में है, बट नहीं, सुबातू रोड में है। हाँ, बस सीधे चलते हैं। है नहीं, नहीं ऊपर से जो रास्ते से आए थे, ये पिच रास्ते में पता है आपको, और हम लोग कुछ ज़्यादा ही आ गया है। चलो अभी हम लोग आगे को निकलते हैं, पता करते हैं कहाँ पे, तब दिखाती हूँ कहाँ पे है वो। आगे चलो, आगे चलो, थोड़ा सा इनसे पूछो अंकल से यहाँ पे, ये बता देंगे। अंकल जी, करण सिंह वैद्य। अच्छा, वहाँ जो लोग बैठे हुए खंबे में बोर्ड लगा, बिजली खंबे में बोर्ड है। हाँ जी, वहाँ से मैं सीधे उतर रहा हूँ, नहीं चलो तो फिर इसके ऊपर भी मजबूत लगा। अच्छा अच्छा, हाँ जी, अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा अच्छा ठीक है अंकल, थैंक यू। चलो आराम से आराम से आराम से आराम से। मम्मी कहीं मारती थी यार, तू तो पागल ही हो गया। तो रुक जाओ रुक जाओ, आया मम्मा। नहीं मुझे वो बेचारे, लो पकड़ो, आराम से आराम से आराम से। रिशु
देख देख भगा दिया आपने यार, हमने डरा दी वो। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ से नीचे जा सकते हैं। यहाँ देखो इतना चुटकू चुटकू सा बोर्ड लगा हुआ है यार, मुझे इतने ध्यान ही नहीं दिया, हद की बात है। चलो है थोड़ी देर धूप धूप तो ना थोड़ी सी मिल जाए ना मज़े आ जाती है। मास्क तो रखना ही पड़ेगा, चलते हैं अभी नीचे उनके पास। लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं करण सिंह वैद्य के पास, तो यहाँ पे चेयर्स लगी हुई है तो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई और भी है, वो तो है पीछे को नीचे वाले फ्लोर में भी है, बट हम लोग तो यहाँ बैठे और धूप इतनी मस्त लगी हुई है यहाँ पे। धूप से को आराम से जब तक बुलाते हैं, मास्क मुझे बुला दिया लीजिए। सो हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का काम था वहाँ पे, उन्होंने मुझे दवाई दी। वैसे उन्होंने बोला था कि आप अपना अल्ट्रासाउंड लेके आए हो, तो मैं अल्ट्रासाउंड लेके नहीं आई थी, तो उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप कर देना और अगर छोटी है तो, मैंने बताया साइज़ की छोटी सी है पथरी, तो उन्होंने मुझे क्या हुआ, हे भगवान, इन्होंने बाइक की चाबी छोड़ दी। अच्छा वो मेरे बैग में है, ग्लव्स के अंदर तो नहीं रखी थी बैग में वो उस टाइम मुझे लग भी रहा था कि थोड़ा मोटू मोटू सा क्या है चाबी होनी हो तो उनको मैं अल्ट्रासाउंड की फ़ोटोज़ भेज दूंगी। और उन्होंने मुझे दवाई दी है, तो मैंने उनको बताया कि मेरा बहुत छोटू सा साइज़ है, तो उन्होंने मेरे को 3 दिन वाला पैकेज दिया है। बस वो है कि 3 दिन में कंप्लीट करना है। हाय सोड्डे के साथ है वो दवाइया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सोड्डा, वैसे मैंने पिया है बट वो यार थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, इतना ज़्यादा तो भर के गिलास था वो, है ना, भर के मतलब पागल हो जाओ इसको पी के। चलो पागल तो कोई नहीं होता है ना, मतलब ऐसे ही दे दो मेरे ग्लव्स डायलॉग है, लेकिन थोड़ी देर धूप में खड़ना है यार। चलो हेलो चले, ओके ओके ओके, वो मेरा क्लासमेट है, क्लासमेट है विजय, विजय विजय। तो मतलब इनका आज ऑफ डे होता है, आज इनका ऑफ रहता है, आज ये लोग देखते नहीं है, बट हम लोग आए तो इन्होंने देख लिया क्योंकि इनका यहीं पे होना ना कुछ। चलो अब निकलते हैं, इतनी ठंडी लग रही है ना, एक मोड़ में आते ही तो हम लोग धूप सेकने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे अभी। तो अगर किसी को भी पथरी है तो यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुतों से सुना है और ये खुद भी बोल रहे थे कि 17,000 बोला शायद इन्होंने, कितने पेशेंट्स 100% गारंटी के साथ ठीक हो चुके हैं। तो ठीक है, जब हुए हैं तो जब बोल रहे हैं तो हुए हो गए, तो मैं भी लेके आई हूँ, तो घर जाके ट्राई करने वाले। मेरा तो सिर्फ 3 दिन का कोर्स है, लेकिन वो मेरे को 4 दिन में होगा, क्योंकि उनको दिखा होगा कि मैं किस तरीके से सोडा पी रही थी क्योंकि मुझसे पिए ही नहीं जा रहा था सोडा, क्योंकि ऐसे एकदम से कौन पी सकता उसको, बहुत मुश्किल था तो मेरे शायद इस करके, बाकी तो पता नहीं क्यों 4 दिन का दिया है। तो मेरे को 4 दिन का कोर्स है, वो 10 दिन के बाद, कितने दिन के कोर्स है, 3 दिन का, 6 दिन का, 9 दिन का, मतलब अगर ज़्यादा बड़ी है ना तो फिर वो ज़्यादा उसमें, तो मेरे को तो थोड़ी सी है, छोटी सी है, तो इसलिए मेरे को छोटी सी दिन का, मतलब कम दिन का दिया हुआ है। तो बस इतने दिन करो और उसके बाद 1 महीने बाद इनको अल्ट्रासाउंड की पिक्स भेजनी है, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, पिक्स भेजनी पड़ेगी, बस फिर उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि पथरी सारी हटी है कि नहीं हटी है, हो जाएगा। और एक और चीज़ इन्होंने बोला है कि खाने पीने का कोई एतराज़ नहीं है, आपको जो खाना है वो खाओ, किसी चीज़ को खाने में मनाही नहीं है, बस जो मतलब ये डोजेज है दवाइयों के वो प्रॉपर टाइम से लेने हैं, और जैसे जैसे लेने हैं वैसे वैसे ही लेने हैं, 10-10 मिनट के गैप पे, एक ही मिनट है ना, पहले जैसे एक टाइम क्या दिया इन्होंने, 9 बजे का, 9 बजे
फिर 9:10 पे दूसरा, फिर 9:20 पे तीसरा, फिर 2 बजे, 2:10 पे, 2:20 पे, मतलब कुछ ऐसा ऐसा करके। हाय, मैं तो सोच रही इतना सोडा पिएगा कौन। अभी भी इतनी ठंडी लग रही है ना, ऊपर से धूप इतनी हल्की सी है, तेज धूप आ जा खुद धूप से, तो उसके बाद निकलते हैं सोलन। और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है क्योंकि मैं कुछ भी खाना नहीं खा के आई हुई हूँ, तभी जाके हम लोग पेट पूजा करने वाले। ठंडी हवा लग रही है यार, चले अब। सो हम लोग सोलन पहुंच चुके हैं, और सोलन पहुंचते ही सबसे पहले पेट पूजा का, मैंने बोला था ना कि सबसे पहले पेट पूजा हो, तो हम लोग आए हैं माउंटेन पिज्ज़ा। हम लोग यहाँ पर आए हैं अभी पिज्ज़ा खाने, ये अभी वो है ऑर्डर करने, क्योंकि पहले वहाँ पे जाके ऑर्डर करते हैं, फिर आता है आपका ऑर्डर। तो तब तक वेट करो, ठंड से ऐसे पागल हो गए थे ना सच में, बीच में रुकते रुकते आए हम लोग तो धूप सेकते सेकते। हमारा ऑर्डर आ चुका है, तो माउंटेन पिज्ज़ा में हमने पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद हम लोग मार्केट आए आनंद घूमा, फिर उसके बाद आए हम लोग हिमालयन कैफे, क्योंकि ये तो मेरी फेवरेट जगह है। और इतनी ठंडी ठंडी में ना गरम गरम कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। मैंने तो चाय पीने का, बट मुझे चाय पसंद नहीं है, तो मैं आई हूँ एस्प्रेसो पीने। सब लोग अभी आप एस्प्रेसो पिएंगे, उसके बाद किसी ने रूम को और मैं बिस्तर में पड़ जाऊँगी क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली इतना वेट करने के बाद हमारी एस्प्रेसो आ चुकी है, ये हमारी एस्प्रेसो हो चुकी है। अब चले घर को, है खूब लटक लिया आज, अच्छा खासा घूम लिया बहुत। चलो सो मैं अब रूम पहुंच चुकी हूँ, और मेरे पाँव इतने ठंडे हैं ना कि मैं आते ही रजाई लेके बिस्तर में बैठ गई, कि सच में ना यार बहुत ठंड है। मैं तो सोच रही हूँ मंडे से कैसे जाना कॉलेज, मेरी तो अभी से ही हालत खस्ती है ठंड से, घर में तो इतनी ठंड लग नहीं रही थी, मेरे को यहाँ पे आके तो ऐसी ठंड लग रही है। यहाँ बाइक पे लगी होगी ज़्यादा ठंड तो, क्योंकि बाइक का सफ़र दिसंबर में, दिसंबर जनवरी जो लोग करते हैं ना, मानना पड़ेगा भाई, टांगे सुन, हाथ सुन, मुंह सुन, मैं तो नाक में से लाल हो गया था नहीं। सो मैं दवाइयाँ ले आई है, अब उनको ट्राई करेंगे कल से, कल परसों चौथ, तीन दिन ही मेरा तो 4 दिन चलेगा वैसे, तो मैं तब ट्राई करूँगी, तब देखते हैं कितना चलता है, क्या क्या असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अभी पहले तो मेरे को वो रिपोर्ट्स ढूँढनी पड़ेगी, फिर वो उनको सेंड भी करनी है करण सिंह वैद जी को, फिर उसके बाद 1 महीने बाद वो दूसरी रिपोर्ट सेंड करनी है जब मैं फिर से अल्ट्रासाउंड करवाऊँगी। चलो अगर किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे किडिंग ना, गूगल पे पूरा दिया हुआ है, तो उनके वहाँ पे नंबर्स भी है, सब कुछ है, इनफैक्ट गूगल मैप पे डालोगे तो आपको बहुत इजीली बता देगा, हमारी तरह भटकना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही सर्च कर लेना कि कहाँ पर उनका। और ठीक है, इतना महंगा थोड़ा सा महंगा तो मुझे लगा, बट मतलब इतना ठीक ही है, क्योंकि जो मैंने एक बार जब मैं MMU गई थी तो वहाँ पे बोला था कि 6 महीने साल तक आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, तो वो मतलब ऐसे ही बैठता है, ठीक ठीक ही बैठता है सारा खर्चा वर्चा देखे ना अगर, तो मतलब एक कोर्स का 3 दिन का 25, 6 दिन का 5, 9 दिन का 75, 75 तो यही है उनके कोर्स का। बट जिसको ठीक लगता है वो जाना, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैंने बहुतों से सुना था कि वो बहुत सारे ठीक हुए हैं जाना वहाँ पे, आप लोग भी जाना अगर होगी किसी को शिकायत, अगर तो नहीं है फिर तो क्यों ही जाना। चलो और अब मैं इस ब्लॉग को करूँ यहीं पर एंड, क्योंकि मैं लग गई हूँ सोने, ठंड तभी दूर होएगी, अब तो सो के ठंड दूर होएगी, थोड़ी देर तक रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उठेंगे, अपना दूध चाय पियेंगे जो भी होगा, फिर कल सुबह से मैं अपना कोर्स पूरा करूँगी, स्टार्ट करूँगी, मैं दिखाऊँगी आपको कैसे बोला मुझे लेने को,
क्योंकि जैसे मैंने वहाँ पे लिया था ना, मेरे नाक से ये पानी गिर रहा था क्योंकि सोडा थोड़ा तीखा होता है ना इस करके। हाँ चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।